और एक हाई बजट की फिल्म है वो संघर्ष अलग है, विदेशों में भी शूट हुई है तो एक खेसारी जी का अलग लुक है। तो मेरी शुभकामनाएं बहुत मैंने है कि संघर्ष 2 के साथ प्लीज़ थिएटर में जब हमारी सिनेमा रिलीज होती है तो प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद देने थिएटर में ज़रूर पहुँचे। सबकी फिल्म, हमारी फिल्म नहीं, फरिश्तानी संघर्ष है और भी आने वाली बहुत फिल्में हैं हर स्टार की, तो सबको आप लोग प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका, नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी पूजा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और हमारे जितने भी श्रोता भोजपुरी ऑडियंस है मैं लाल बाबू पंडित सबको प्रणाम करता हूं और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए पूजा जी, और लहरे देखने वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लहरे पे जब भी देता हूँ इंटरव्यू तो मुझे अच्छा लगता है, पूजा जी जब इंटरव्यू लेती हैं तो मुझे अच्छा लगता है इंटरव्यू देना। बोलिए पूजा जी। जी, आपकी फिल्म आ रही है फरिश्ता जी, कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में, कब तक दर्शकों के बीच? अभी ऑलमोस्ट पोस्ट की काम, पोस्ट का जो काम था वो लगभग खत्म हो चुकी है, तो हम लोग फरवरी एंड या मार्च में हमारी प्लानिंग है फिल्म लाने की। फरिश्ता जो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, एक अलग हट के, लिंक से हट के खेसारी जी ने जो काम किया, पूरे यूनिट ने हमारी जो काम किया है उस फिल्म में, एक अच्छी कहानी है। तो इसके अब जोरों शोरों से हम लोग तैयारी करेंगे। मैं संजय भूषण जी से आज ही बात कर रहा था, जो इसको अब शुरू कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कैसे हम लोग इसका पब्लिसिटी प्लानिंग करेंगे, संजय जी के साथ बैठ कर वही चर्चा हो रही थी आज। पूजा जी, खेसारी जी का आपने नाम ले लिया है, बाकी कलाकारों के बारे में भी बता दीजिए। इसमें हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, और मेघा श्री जी हैं, पूजा गांगुली, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल जी, सोनू पांडे, रिंकू भारती, खुशबू यादव, ऑलमोस्ट और जिनका नाम याद नहीं है तो सॉरी, और सारे बहुत सारे कलाकार हैं इसके अंदर। और इसके डीओपी हैं आरआर प्रिंस, एडिटर हैं जीतू सिंह हमारे जितेंद्र सिंह जीतू, म्यूजिक डायरेक्टर है कृष्णा बेदर्दी जी, इसके पीआरओ हैं संजय भूषण पटियाला, प्रोड्यूसर हैं गंगोत्री स्टूडियो एस एस रेड्डी जो साउथ से बिलोंग करते हैं, तो ही यूनिट है जी। क्या किरदार होगा खेसारी जी का इस फिल्म में, क्योंकि आपकी जितनी भी फिल्म उनके साथ होती है उनका किरदार काफ़ी अलग होता है, कुछ यूनिक उनका लुक होता है, इस फिल्म में क्या कुछ नया लेकर आएंगे वो? कुछ तो अलग है, दो तीन गेटअप में है, तो अभी क्या खुलासा करूँ, तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी क्या लुक है उनका। कहानी के बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो? कहानी एक सोशल ड्रामा है, फैमिली ड्रामा ही है कहानी फैमिली ड्रामा है। एक जो हमारा इंडियन सिनेमा, जो भारतीय सिनेमा इमोशन पे ही टिका है, तो पारिवारिक इमोशनल ड्रामा है, कुछ हटके है, कुछ अलग है, पारिवारिक तो है ही है, बहुत इस कहानी में उतार चढ़ाव है, जैसे कॉमेडी पार्टी, फुल्ली कमर्शियल फिल्म है, लेकिन थोड़ा सा पैरेलल हमने टच रखा हुआ है, जो अर्बन टाइप सिनेमा होता है फुल कमर्शियल जैसे भोजपुरी कहेंगे उस तरह से नहीं है ये फिल्म। तो कहानी तो मैं यहाँ बिल्ड नहीं करूँगा, कुछ अलग है कहानी। कैसी है केमिस्ट्री मेघाश्री के साथ खेसारी? अच्छी, मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत मैंने उनके साथ पहला काम किया है, और अपने काम में मतलब हमारे भाषा के ना होते हुए भी मेघा जो भाषा पे पकड़ नहीं होने के बाद वो स्क्रिप्ट दे दो तो रट्टा मार लेती थी, और काम के प्रति बहुत ही, और केमिस्ट्री तो 5-6 फिल्म उन्होंने किया साथ में, केमिस्ट्री अच्छी है मेघा जी, मेघा और खेसारी जी का जी। क्या गानों को लेकर कुछ बताएंगे, कैसे गाने हैं, कितने गाने हैं? इसमें टोटल 7 गाने हैं, जिसमें सिचुएशनल सॉन्ग ही 3 हैं और 4 जो कमर्शियल सॉन्ग हैं वो है, और मैंने बताया है इसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे कृष्णा बेदर्दी जी हैं इस फरिश्ता जो फिल्म है हमारी। तो गाने बहुत ही अच्छे हैं, 3 दिन पहले ही हमारी मैंने डबिंग कंप्लीट हुई, मैंने गाने की डबिंग खेसारी जी ने किया यहीं स्टूडियो में, तो हमारा टोटल जो है पोस्ट का ऑलमोस्ट 10-12 दिन के अंदर, आज सेंसर में भी गई है, मैंने सेंसर के लिए हमने दे दिया है, DI का भी काम कम्प्लीट ऑलमोस्ट है, बैकग्राउंड हो चुका है, VFX की जो काम थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, वो जो फाइनली मिक्सिंग है तो वो करेंगे, तो 10-15 दिन के अंदर हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी पोस्ट से। क्या खेसारी जी फिल्म प्रमोशंस के दौरान थिएटर्स में जाएंगे, क्या दर्शकों को मिलेंगे, क्या प्रमोशंस के लिए? नहीं, कल ही मैं उनके साथ बैठा हुआ था, हमारी इस पे चर्चा हुई है खेसारी जी के साथ, तो हम लोग थिएटर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो और जो पटना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मॉल्स वगैरह हो गए, जो हम लोग मल्टीप्लेक्सेस वगैरह भी सोच रहे हैं इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, मैंने प्रोड्यूसर से आग्रह भी किया है, रेड्डी सर से, जो एक हम लोग
यहाँ किसी भी हॉल में, सिटी मॉल, जिनर जहाँ भी हो, एक माने हमारे टेक्नीशियन प्लस पत्रकार के लिए एक शो रखेंगे हम लोग, जिसका प्रीमियर रखने के लिए हमने उनको बोला है, तो उन्होंने हामी भरी है जो है रखूँगा, क्योंकि हमारे जो पत्रकार हैं वो वहाँ बिहार जाकर ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो हम जितने पत्रकार भाई हमारे हैं, जितने भी हमारे टेक्नीशियन जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो मैं चाहूँगा कि सब देखें फिल्म का, उसके बाद जो पत्रकार रिव्यू देना हो, अच्छा है तो अच्छा, ख़राब है तो ख़राब, तो बेहतर होता है। बिना देखे बहुत पत्रकार रिव्यू दे देते हैं और पहले दिन हिट और सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो एक दिन में फिल्म सुपर हिट नहीं होती है। तो मैं पत्रकारों लोगों से भी आग्रह करूंगा कि फिल्म को पहले देखिए, उसके बाद उसका रिव्यू कीजिए। तो उसके लिए हम लोग खुद व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे पत्रकार भाई जितने हैं और हमारे इंडस्ट्री के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए फिल्म को देखने के लिए। सर जी की एक और फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है, संघर्ष 2, जी फिल्म, उस फिल्म से क्लैश तो नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं, एक ही हीरो का फिल्म में क्लैश नहीं करेगी, वर्ल्ड वाइड की फिल्म है रत्नाकर सर, तो नहीं ऐसी नहीं है, आगे पीछे ही फिल्म आएगी एक साथ, तो रिलीज़ करना वो अलग जोनर की फिल्म, हमारी फिल्म अलग जोनर की है, तो वो टाइम का माने गैपिंग, वीक का गैपिंग रहेगा, जरूर रहेगा। कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी है, पराग जी ने बहुत अच्छा किया है, और एक हाई बजट की फिल्म है वो संघर्ष, अलग है, विदेशों में भी शूट हुई है, तो एक खेसारी जी का अलग लुक है, तो मेरी शुभकामनाएं बहुत माने है कि संघर्ष 2 के साथ कोई भी फिल्म हो, जिसकी भी फिल्म हो, फिल्म चलनी चाहिए। हमारी जो ऑडियंस थिएटर से जो नदारद हो चुकी है, तो यही आप लोग से आग्रह है कि एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग थिएटर तक आएँ। अभी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हर मेकर ही कोशिश कर रहा है कि अच्छी फिल्म आप लोग को दें। आप लोग यूट्यूब एंड टीवी वगैरह में तो वो प्यार आप लोगों का मिलता है, बट थिएटर से हम लोग वंचित है, तो आप लोगों से ही आग्रह है हमारे भोजपुरी दर्शक से कि बहुत मेहनत लगती है फिल्म बनाने में, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आशीर्वाद देने आएँ। फिल्म अच्छी है तो अच्छी बोले, ख़राब है तो ख़राब बोले, अच्छी है ख़राब है तो उसको भी ज़्यादा बोलिए, जो हम लोग बेहतर और करने की कोशिश करें, जो आप लोगों को क्या पसंद आता है। बस यही पूजा जी, अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं? अभी जाने वाली है दिनेश जी की, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ, अभी 7 फरवरी में वो फिल्म जाएगी, जिसके प्रोड्यूसर हैं कैप्टन वीडियो अमित गुप्ता जी, तो बहुत जल्द वो फिल्म फरवरी में जाने वाली है दिनेश जी के साथ। टाइटल कुछ बताएंगे? टाइटल अभी वहाँ रिवील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल पे थोड़ा डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का, तो टाइटल अभी फाइनलाइज नहीं हुई है जो क्या टाइटल हम लोग रखेंगे, जब फाइनल होगी तो बता देंगे पूजा जी क्या टाइटल हम लोग ने रखा है। खेसारी जी के साथ कोई आगे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं? हाँ, तीन प्रोजेक्ट है खेसारी जी के साथ, तो अभी इनका करूँगा, उसके बाद अभी है तो अप्रैल वगैरह में शायद खेसारी जी के साथ हमारी होगी, कल्लू जी के भी साथ है प्रोजेक्ट हमारा, वैसे ही कोशिश जारी है, स्ट्रगल जारी है। कुछ कहेंगे फैंस को आपकी? मैं सिर्फ फरिश्ता के लिए नहीं, मैं हर फिल्म के लिए, हर स्टार की फिल्म के लिए, जो भी मैं करो, प्लीज़ थिएटर में जब हमारी सिनेमा रिलीज होती है तो प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद देने थिएटर में ज़रूर पहुँचे, सबकी फिल्म, हमारी फिल्म नहीं, फरिश्ता नहीं, संघर्ष है, और भी आने वाली बहुत फिल्में हैं हर स्टार की, तो सबको आप लोग प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, बस यही आशा करता हूँ, और थैंक यू लहरे को, पूजा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।